नमस्कार आदाब, मैं हूं सानिया खान, आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। पंजाब से होशियारपुर जिले में मिश्रा कुटिया आश्रम के स्वामी पुष्पेंद्र स्वरूप पर जानलेवा हमला हुआ है। बीती रात आश्रम में लूटपाट के इरादे से कुछ लोग घुसे थे और स्वामी पुष्पेंद्र स्वरूप पर हमला भी किया था। बाद में आश्रम पर लूटपाट की गई और फिर अलमारी में रखे कैश और सोने को लेकर बदमाश फरार हो गए। इस हमले के बाद स्वामी पुष्पेंद्र स्वरूप ने बचने के लिए आवाज लगाई, जिसके बाद स्थानीय लोग पहुंचे। फिलहाल स्वामी पुष्पेंद्र स्वरूप को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। सुनिए इस पूरे घटना को लेकर स्वामी पुष्पेंद्र स्वरूप ने क्या बताया है। ए जी, रात दी वारदात है, 9:39 ते एक बंदा एंटर किया है मेरे कमरे च। अचानक हाथ दे चाकू सी ते उस बंदे ने मेरे ते हमला शुरू कर दिता। मैं ओदा मास्क मुस्क उतारन दी परना जेड़ा बनया सी उतारन दी कोशिश की, पर मेरी रिटेलिएशन दा उन्होंने एक बंदा होर नाल आ गया, पूरी तरह नाल जवाब दिता। उन्होंने मेरे मुँह नूं लपेट दिता, गला घुट दिता और चाकुआं दे वार कीते। मेरे नाल बहुत जिद्दोजहद की, काफ़ी कोलमथोल होया ते मेरे को पैसे मंगन लगे। मैं अलमारी चो लै लो, तो उन्होंने अलमारी चो मेरे जिहड़े कैश सी ओह कढ लिया, होर भी समान कढ लिया, जिहड़ा भी थोड़ा जिहा दो तीन अंगूठियां और चेना दी इक छोटे जिहे पर्स विच सीगा, वो भी गायब है क्योंकि ऊपर से नीचे डिग गया पे, कंफर्म हो रहा है। बहरहाल लूटपाट करने वाले बदमाशों का अब तक पता नहीं लगाया गया है। इसी के साथ आपको बता दें कि महाराष्ट्र के पालघर साधुओं की हत्या को 9 दिन बीत चुके हैं। केस को जांच कर रही सीआईडी टीम को भी अब तक करीब 500 लोगों की तलाश कर रही है। पालघर में साधुओं की हत्या के आरोपियों की तलाश तेज हो गई है। पालघर के गढ़चिंचले गांव के आसपास ड्रोन से आरोपियों की तलाश जारी है। तो इसी के साथ प्रहार टाइम्स की सभी खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें ताकि हर खबर आप तक पहुंचे। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।